सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, पिछले एक साल से बेऊर जेल में बंद सूबे में छोटे सरकार के नाम से चर्चित और मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह। जी हां, मैं बात छोटे सरकार अनंत सिंह की कर रही हूं। अनंत सिंह ने एक बार फिर से अनंत सिंह की चर्चाएं जो है वो चारों तरफ हो रही है। ऐसा लग रहा था कि जेल में होने के कारण अपने इलाके में छोटे सरकार का प्रभाव कम हो गया है, लेकिन बात जो है वो गलत साबित हुई। कम से कम बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण के परिणाम ये बता रहे हैं कि अपने इलाके में उनका जलवा अभी भी कायम है। लोकसभा विधानसभा में अपने प्रभुत्व जमाने के बाद अब पंचायत चुनाव में भी अनंत सिंह की चर्चा जो है वो होने लगी है। ये पूरा का पूरा मामला अनंत सिंह के पैतृक इलाके बाढ़ अनुमंडल से जुड़ा हुआ है, जहां अनंत सिंह का गाँव है नंदावा। यहाँ छठवें चरण में पंचायत चुनाव होना था, लेकिन यहाँ सभी पदों पर बिना चुनाव के ही चयन कर दिया गया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा बिहार केसरी के नाम से मशहूर विवेका पहलवान के भाई स्वर्गीय कमलेश पहलवान की पत्नी मंजू देवी दूसरी बार मुखिया पद संभालने में कामयाब रही हैं। बताया गया कि मंजू देवी के साथ अनंत सिंह का रिश्ता भाभी और देवर का है। ये अनंत सिंह का प्रभाव था कि मंजू देवी के सामने किसी ने अपनी दावेदारी पेश करने की हिम्मत भी नहीं की। मुखिया मंजू देवी ने हर घर तक विकास पहुंचाने की बात कही है। नंदावा में मुखिया पद के साथ सरपंच के पद पर बिजली देवी, पंचायत समिति सदस्य के पद पर श्याम नंद महतो सहित 13 वार्ड सदस्य और पंच भी निर्विरोध विजय हुए हैं। मुखिया मंजू देवी के आवास पर सभी पंचायत के निर्विरोध उम्मीदवारों ने एक दूसरे को जीत की माला पहना करके अबीर और गुलाल लगाया। तो देखिए, खुशी है और खुशी का माहौल ऐसा है कि अबीर और गुलाल से लोग खुशियां जो है वो बांटे, लेकिन जलवा जो अनंत सिंह का है वो अभी भी बरकरार है। फिलहाल इसको इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.